आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में डीप वाटर। डीप वाटर ये लेसन जो है ट्वेल्थ क्लास में सीबीएसई बोर्ड में भी है और राजस्थान के बोर्ड में भी है ना, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान उसमें भी है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE उसमें भी है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसमें डगलस नाम के जो इसके लेखक हैं उनका स्मरण है, आत्मस्मरण है कि किस प्रकार से बचपन में उनको पानी का डर लगा, किस प्रकार से उनकी एक बार जान जाते जाते बची डूबते हुए, और फिर आगे जाके जब उन्होंने तैरना सीखा तो किस प्रकार से उन्होंने अपने डर पे विजय पाई, किस प्रकार से डर पे जीत हासिल की और किस प्रकार से अच्छे तैराक बन पाए, उनका स्मरण इस चैप्टर में है। तो आइए शुरू करते हैं हम। डीप वाटर गहरा पानी, डीप वाटर मतलब हुआ गहरा पानी। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old। तो लेखक कहते हैं, डगलस कहते हैं कि इट वॉज हैपन्ड, ये घटना घटित हुई थी व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया टू लर्न सीखने का, टू स्विम तैरना, मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया, मैंने निश्चय किया मैं तैरना सीखूंगा। देर वॉज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे एक पुल था, YMCA कोई एकेडमी का नाम है, याकिमा नाम की जगह पे एक पुल था, स्विमिंग पूल था, जो ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रदान करता था। अवसर किस बात का, तैराकी का, तैराकी सीखने का अवसर देता था। कौन वो पुल, चूंकि मैंने डिसाइड कर लिया था सीखने का तैरना, तो इसलिए मैंने YMCA पे जाके पुल पे तैरना सीखने का निश्चय किया। द याकिमा रिवर वॉज टीचरस, याकिमा नदी का नाम भी है, याकिमा नाम की नदी जो थी बड़ी टीचरस थी, है ना, बड़ी ही धूर्त थी, बड़ी फंसा देने वाली थी, मतलब खतरनाक थी, टीचर समझ लें आप, खतरनाक से मतलब है, तो नदी बड़ी ही खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, माँ जो थी वो लगातार इसके बारे में चेतावनी देती थी। तो आगे क्या होता है, माँ जो थी वो बताती रहती थी हमेशा, याद ताज़ा कराती रहती थी हमेशा, कैप फैशन ताज़ा रखती थी इन माय माइंड, मेरे दिमाग में द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, प्रत्येक डूबने की घटना की डिटेल इन द रिवर, नदी में, नदी में जितने भी लोग डूबे थे उनकी घटना मुझे बता बता कि माँ मुझे याद दिलाती रहती थी, है ना, चेतावनी देती रहती थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पुल जो था वो सेफ था, सुरक्षित था, ये पुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet ड्रॉप डीप, ये 2 या 3 feet ही गहरा था, 2 या 3 feet गहरा था, कहाँ से, जहाँ पे कम गहरा था, एट द शेलो इन कम गहरा को बोलते हैं। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि दूसरी तरफ इसका किनारा कितना था, 9 feet तक गहरा था, यानी उसकी गहराई जो थी YMCA पुल की वो एक जैसी नहीं थी, वो एक जगह तो ज़्यादा गहरा था, एक जगह थोड़ा कम गहरा था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उसकी गहराई 3 feet है और गहराई दूसरी तरफ ज़्यादा गहराई थी, वहाँ पे 9 feet की इसकी गहराई थी, इस तरह से। और आगे वो कहते हैं द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, इसकी गहराई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, यूँ धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, मैंने अपने साथ में तैरने के काम आने वाले विंग्स लिए, पैरों में पहनते हैं, आपने देखा होगा कुछ तैराकों को वो पैरों में कुछ पहनते हैं, तो उनको वो लिए और मैं पुल पे चला गया। आई हैटेड टू वॉक नेक इंटू इट, मुझे घृणा होती थी टू वॉक नेक एंड नंगा घूमने में इंटू इट, इसके अंदर जब मैं तैरने जाता था तो मुझे अपने कपड़े उतार के वहाँ पर टहलने में बड़ी ही घृणा होती थी, अच्छा नहीं लगता था मुझे। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपने पतली पतली स्किनी यानी पतली पतली टांगों को दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन तैरना सीखने के लिए मैंने अपने इस गर्व को हटा दिया, एक तरफ रख दिया था, और इसमें अपने गर्व को एक तरफ हटा के मैं ऐसा किया, मैंने अपने कपड़े उतार के मैं पुल पे चला गया था। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन,
शुरू से ही मेरे अंदर एक एवर्जन था, डर था, एक भय था। हावेवर हालांकि टू द वाटर पानी से, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर जाता था मुझे थोड़ा डर लगता था, है ना। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये डर कब शुरू हुआ? ये तब हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और पिताजी मुझे लेके गए एक बीच पर, बीच यानी समुद्र के किनारे पर, कैलिफोर्निया नाम की जगह पर जो कि अमेरिका में स्थित है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और दोनों, हम दोनों खड़े थे लहरों के पास में समुद्र किनारे पे। आई हंग ऑन टू हिम, येयर द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उनसे चिपटा हुआ था, मैंने अपने पिता को जकड़ रखा था, उसके बावजूद भी एक वेव्स यानी धाराएं जो थी नॉक्ड मी डाउन, मुझे नीचे गिरा दिए उन्होंने, और स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर से गुजर गई। यानी एक लहर आई तेजी से, उसने मेरे को गिरा दिया। हालांकि मैंने पिताजी को कस के पकड़ा हुआ था, उसके बावजूद मुझे उस पानी की ताकत के आगे मैं गिर पड़ा और मुझे बहा के उस वो पानी ले गई, या पानी मेरे ऊपर से गुजर गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं बरीड एंड दफन हो गया पानी के अंदर, मैं पानी के अंदर समा गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था। फादर लाफ, पिताजी हंसे। बट देर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट, लेकिन एक आतंक मेरे दिल में बैठ गया था, एक आतंक मेरे दिल में बैठ गया था एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उन लहरों की खतरनाक ताकत को देखकर मेरे दिल में एक आतंक, भय जो था पानी के लिए वो रह गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स। वो इंट्रोडक्शन, परिचय जो था YMCA पुल पे मेरा, जब मैं पुल पे गया तैरने के लिए, तो स्विमिंग पूल ने रिवाइव्ड कर दिया, ताज़ा कर दिया था अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी वो असुहावनी यादें। कौन सी? जब मैं वहाँ पे पानी में डूब गया था, मेरे पिताजी के साथ था, मुझे डर लगा था, वो डर ताज़ा हो गया था। एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे मन में वो बचपन वाला डर दोबारा से आ गया था। बट इन ए लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय के बाद में ही मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मैं मनोबल को इकट्ठा कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने पैरों को मारने लगा उन विंग्स के साथ में। वॉचिंग द अदर बॉय एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, वॉचिंग एंड देखते हुए दूसरे लड़कों को, और ट्राइंग यानी कोशिश करते हुए, टू लर्न एंड सीखने की बाई एपिंग दैम, एपिंग यानी नकल करते हुए, दैम उनकी, उनकी नकल करते हुए मैंने भी सीखना शुरू कर दिया अपने पैरों को मारना, किस प्रकार से पैरों को मैं चलाऊं पानी में। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील इट ईज इन द वॉटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील इट इज, अब मैंने शुरू कर दिया था आराम से ऐसा करना, तैरना इन द वाटर, पानी के अंदर, व्हेन तभी द मिस एडवेंचर हैपन्ड, एक मिस एडवेंचर घटना यानी घटित हुई मेरे साथ में। मिस एडवेंचर एक ऐसा जो कि मैं चाहता नहीं था, है ना, ऐसी रोमांचक एक घटना मेरे साथ में घटित हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, आई वेंट टू द पूल, मैं एक दिन पूल पे गया, वैन जब नो वन एल्स वॉज देयर, वहाँ पे कोई अन्य नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। द वॉटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और बॉटम यानी पैंदे को बोलते हैं, पैंदे में लगी हुई टाइल वाले बॉटम जो था, पैंदा था, सतह जो थी वो इतनी सफ़ेद थी और इतना साफ था जैसे बाथटब होता है, नहाने का टब होता है, उतना ही साफ स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा था। नीचे की तह भी दिखाई दे रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं बड़ा टिमिड था, टिमिड बोलते कायर को, मैं बड़ा कायर था पानी में अकेला जाने के लिए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं बैठ गया किसके लिए, कहाँ पे, साइड में किनारे पर, पुल के किनारे पे बैठ गया, टू वेट यानी इंतज़ार करते हुए, फॉर अदर्स, दूसरे लोगों का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, अभी मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठा था वहाँ पे, तभी एक लड़का, एक बड़ा सा लड़का आया वहाँ पे, Probably 18 years old, शायद उसकी उम्र 18 साल के करीब होगी। He had thick hair on his chest, उसके सीने पे बड़े बड़े बाल थे, घने बाल थे, ठीक है नहीं, घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen, वो एक सुंदर physical specimen था, यानी उसका शरीर जो था, उसकी कदकाठी जो थी वो बड़ी अच्छी थी, देखने योग्य थी। With legs and arms that showed rippling muscles, उसके लेग्स, उसकी टांगें, उसकी बाहें जो थीं वो उसकी उभारदार मसल्स को दिखा रही थीं। ही येल्ड, उसने चिल्लाया, हे स्किनी, हाँ स्किनी, हे मरियल, स्किनी यानी दुबले पतले व्यक्ति को बोलते हैं, मरियल या दुबले पतले, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, तुम बतख की तरह तैरना कैसा पसंद करोगे, डग बतख को बोलते हैं,
कि बतख की तरह तैरना कैसे पसंद करोगे, ऐसा उस लड़के ने कहा चिल्ला के। विद दैट और इसी के साथ में ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसने मुझे पिक्ड अप यानी उठा लिया, एंड टॉस ने उछाल दिया इनटू द डीप एंड यानी गहरे हिस्से की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ये पुल का ऊपर का हिस्सा है उसकी गहराई एक तरफ कम थी और एक तरफ ज़्यादा थी, तो उसने मुझे ज़्यादा गहराई वाले हिस्से में पटक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं बैठा बैठा उसी पोजिशन में मैंने पानी के ऊपर लैंड किया, उतर गया। स्वेलोड वाटर, मैंने पानी निगल लिया, मेरे मुँह में पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं चला गया तुरंत ही उसके पैंदे में, उसके नीचे के तल में चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई वीड्स, लेकिन इतना भी नहीं डर था कि मैंने अपना विवेक खो दिया हो। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, जैसे मैं नीचे जा रहा था मैंने योजना बनाई। योजना क्या बनाई? वैन माई फिट हीट द बॉटम, जैसे मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, पैंदे को या तल को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं जोर से जंप लगाऊंगा, जोर से उछलूंगा। कम टू द सरफेस, पानी के सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर लेट जाऊंगा, उल्टा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और फिर पैर हाथ को मारते मारते तैर के मैं पुल के किनारे पर आ जाऊंगा। एज बोलते किनारे को, किनारे पे मैं आ जाऊंगा। तो एक लड़का था, वो लड़का आया, जैसे उसने देखा लड़का अकेला बैठा, उसने कहा ए मरियल, तुम यहाँ पे क्या कैसे बैठे हो, क्या तुम बर्तक की तरह पसंद करोगे, ऐसा कहकर उसने उछाल दिया पानी के अंदर। लड़का पानी के अंदर, लेखक पानी के अंदर चला गया। आप पानी में उसको डर लगा है ना, लेकिन इतना भी नहीं कि उसने अपना आपा खो दिया हो, है ना, अपना विवेक खो दिया हो। उसने सोचा कि जैसे ही पैर मेरे टकराएंगे नीचे, मैं जोर से छलांग लगाऊंगा, है ना, सॉरी जोर से मैं जंप लगाऊंगा और उछल के वहाँ बाहर पानी की सतह पर आ जाऊंगा, फिर तैर के बाहर निकल जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते हुए मुझे लंबा समय लग रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 feet की गहराई 90 feet जैसी लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम में पहुंच पाता, नीचे के तह में पहुंच पाता, तल में पहुंच पाता, मेरे लंग्स जो थे, मेरे फेफड़े जो थे, वो रेडी थे, तैयार थे टू बस इन फट जाने को। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे मेरे पैर जो थे वो बॉटम से टकराए, सतह से टकराए, आई समंड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, तो मैंने समंड बुला लिया, अपनी सारी शक्ति को बुला लिया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग, और मैंने वो सोचा जो किया था, मैंने एक स्प्रिंग की तरह ऊपर की तरफ मैंने उछला। आई इमेजिंड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने महसूस किया था, मैंने इमेजिन किया था, मैंने कल्पना की थी कि मैं एक कॉर्क की तरह से, बोतल के ढक्कन की तरह से बाहर आ जाऊंगा, तैर के बाहर आ जाऊंगा। इंस्टीड इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आँखों को खोला लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के, वाटर पानी के, दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, जो एक पीलापन लिए हुए था, गंदा पीलापन लिए हुए था। आई ग्रू पैनिकी, मैं तनावग्रस्त होता जा रहा था। आई रीज्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, मैं रीच अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऐसे हाथ पैर मार रहा था जैसे मैं कोई लकड़ी रस्सी को पकड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों में क्या आ रहा था, क्लच नहीं पकड़ पा रहा था, केवल पानी। इस प्रकार से जैसे मैं कोई रस्सी को पकड़ लूँ, हाथ पैर इधर उधर मार रहा था लेकिन मेरे हाथों में आ क्या रहा था, सिर्फ पानी। और आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग यानी दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइंग टू येल, मैं चिल्लाना चाहता था, येल यानी चिल्लाना, मैं चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज, फिर मेरी आँखें और मेरी नाक केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकल के आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुँह बाहर नहीं निकल के आया। आई फ्रेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, swallow and choked. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. मैं जोर से अपने शरीर को हिला रहा था सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह के ऊपर, और मैंने कुछ पानी निकला, मेरे मुंह से कुछ पानी में अंदर समा गया। एंड चॉक्ड, और मैं जाम रह गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं कोशिश कर रहा था अपनी लेग्स यानी पैरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, बट दे हंग एज डेट वेट्स, लेकिन वो पैर तो लटक गए थे जैसे कि कोई मृत वजन लटका दिया गया हो। पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त एंड रिजिड, कठोर हो गए थे मुझे मेरे पैर। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग माई मी अंडर, एक बड़ी ताकत जो थी मुझे अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वॉटर हियर्ड मी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, केवल पानी था जिसने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और वापस मैं आके किनारे पे वापस नीचे की तरफ मैं समाने लगा।
जैसे किनारे पे मैं आया, मैंने सोचा बाहर निकल जाऊंगा, तैरूंगा मैं, हाथ पर जोर से मारने लगा लेकिन मुंह में पानी चला गया है ना, उसका फेफड़े फटने को तैयार थे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, अब वापस पानी में जाने लगा। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी से चिपका हुआ था जिसमें नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, और मैं अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहा था जैसे कोई बुरे सपने में कोई एक ऐसी ताकत मुझ पर असर डाल रही थी या दबाव डाल रही थी, उसे लड़ने के लिए मैं जैसे हाथ पैर मार रहा था। हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी सारी सांसें खो दी थी। तो जिस प्रकार से बुरा सपना आने पर उससे बचने के लिए, उस ताकत से बचने के लिए हम हाथ पर मारने की कोशिश करते नींद में, उसी प्रकार से मैं उस पानी के अंदर अपने हाथ पर मार रहा था लेकिन मैंने अपनी सांसों को खो दिया, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स से फेफड़े दुख रहे थे। माई हेड थॉब्ड, और मेरा सिर जोर जोर से बज रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड एट द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे मेरी स्ट्रेटजी यानी रणनीति पता थी, मुझे याद थी मेरी रणनीति मुझे क्या करना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक ओ कॉक टू द सरफेस, मुझे याद था कि मुझे जैसे ही नीचे जाऊँगा मुझे फिर से जोर से जंप लगाना है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर लेट जाऊँगा उल्टा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने बाहों को मारूंगा यूँ आगे चलाऊंगा। एंड थ्रेश माई लेग्स, और मैं पैरों को पीछे की तरफ करूँगा जोर जोर से, तैरते समय लोग करते हैं। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, उसके बाद में मैं आराम से चला जाऊँगा एज यानी किनारे पर, पुल यानी पुल की ओर सेफ हो जाऊँगा, सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा था आनंद की तरफ जा रहा था। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आँखों को खोला। नथिंग, कुछ नहीं बट वाटर, सिवाय पानी के। विद ए येलो ग्लो, जिसमें एक पीली चमक थी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक डार्क पानी, डार्क में से काले को बोलते हैं, जिसके अंदर से देख पाना मुमकिन नहीं था, जिसके अंदर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर एक गहरा टेरर बोलते हैं आतंक ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज टू नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा आतंक जो कोई समझ नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा आतंक जो नियंत्रण नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा आतंक जिसको कोई समझ नहीं सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो, एक ऐसा आतंक जिसको अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिसका आपने अनुभव नहीं किया है, तो वो आतंक आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे आतंक ने मुझे जकड़ लिया था, मुझे डर ने जकड़ लिया था, मैं पानी से बिल्कुल बुरी तरह डर गया था। आगे वो बोलता है, आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज श्रीकिंग, श्रीक यानी चीखना, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर लकवाग्रस्त हो गया था, जैसे मेरे हाथ पैर सुनने पड़ गए थे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, मैं कठोर हो गया था, हाथ पैर मेरे कठोर हो गए थे, जैसे पानी के अंदर डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि चीख जो मेरे थ्रोट एंड गले में थी वो भी फ्रोजन एंड जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे दिल के सिर के अंदर जो थपथपाट थी है ना, वो सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, वो मुझे बता रही थी कि मैं भी जिंदा था। पानी के अंदर उसने 2-3 प्रयास किए है ना, पानी के अंदर वो काफ़ी देर से था, छोटा बच्चा ही तो था, 10-11 साल का। अब ऐसे में क्या होता है कि उसके दिलो दिमाग में डर छा गया था पानी का, उसको लगा जैसे मेरे हाथ पर एकदम से कठोर हो गए हैं, लकवाग्रस्त हो गए हैं, जान नहीं बची है, ठीक है। केवल उसके दिमाग की, दिल की धड़कनें और उसके दिमाग में जो चल रहा था वह आपको कशमकश, वो उसको बता रही थी कि वो अभी भी जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कम ए टच ऑफ रीजन, और तभी उस आतंक के बीच में मुझे एक ख्याल आया, एक कारण सुझाई दिया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे फिर से याद आना चाहिए था, मुझे फिर से याद आया कि जैसे मैं पैर को छुएंगे मेरे बॉटम को, मैं फिर से जंप लगाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिर में वो टाइल्स जो थी वो पैरों पैर के नीचे मुझे महसूस हुई, ऐसा लगा मेरे पैर टाइल को छू रहे हैं। माई टोज, मेरी उंगली, पैरों की उंगलियों को टोज बोलते हैं, मेरे टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, मेरे टो जो थे वो उनकी पहुंच में आ गए थे टाइल की, जैसे उनको पकड़ने वाले हों। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने फिर से जंप लगाया, छलांग लगाई विद एवरीथिंग, उन सब के साथ में जो आई हैड मेरे साथ थी, जो मेरे पास था।
मेरे पास जो भी ताकत थी उस सारी ताकत से मैंने पूर्ण जोर लगा के मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ मैंने छलांग लगा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप जो थी उसने कोई डिफरेंस नहीं किया। द जंप वॉज मेड, जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस बार भी जंप ने कोई फ़र्क नहीं लाया, कोई परिवर्तन नहीं लेके आई जंप। इस बार भी जंप का वही असर रहा जो पहले रहा था, यानी मैं ऊपर नहीं आ पाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी स्टिल ने अभी भी अराउंड मी यानी चारों तरफ था मेरे, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैं लुक्ड फॉर यानी तलाश रहा था, क्या रॉप्स एंड रस्सी तलाश रहा था, लैडर यानी सीढ़ी तलाश रहा था, वाटर विंग्स पानी में तैरने के विंग्स तलाश रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं सिवाय पानी के वहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक मास यानी बड़ी मात्रा का येलो वाटर पीला पानी हेल्ड मी मुझे पकड़े हुए था। स्टार्क टेरर लुक्ड ऑन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, गहरे डर ने आतंक ने मुझे और गहराई से पकड़ रखा था, है ना, मुझे बहुत जोर से पकड़ रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक बिजली के बड़े चार्ज की तरह से, बिजली के बड़े झटके की तरह से। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिला और ट्रेम्बल्ड एंड कांपा, विद फ्राइट एंड डर से कांपा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ पैर जो थे वो हिल नहीं पा रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिलते। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की मदद के लिए पुकारने के लिए। टू कॉल फॉर मदर, माँ को मैंने पुकारना चाहा। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन एंड तब स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, वहाँ पे अजीब प्रकार से एक लाइट सी थी, रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, मुझे लगा जैसे मैं उस पानी से बाहर निकल रहा हूँ। एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, कम से कम मेरी आँखें तो बाहर थीं और मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब फिर से तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने पानी के लिए मुँह, मैंने हवा लेने के लिए मुँह खोला। एंड गोट वाटर, मेरे मुँह में क्या गया, केवल पानी। जैसे मैंने सांस लेने के मुँह खोला तो मुँह में पानी गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो पीलेपन वाली लाइट जो थी वो जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज, फिर सारे के सारे एफर्ट यानी प्रयास ख़त्म हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल आराम से हो गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग के ऊपर एक काला अंधेरा छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को हटा दिया, मेरे डर को पहुँच दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे आतंक को पहुँच दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी पैनिक मेरे मन में नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांति और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने के लिए नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, उनिंदा होना, नींद आना अच्छा है। टू गो टू स्लीप, सो जाना अच्छा है। नो नीड टू जंप, अब कोई आवश्यकता नहीं जंप करने की। टू टायर्ड टू जंप, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था जंप लगाने के लिए। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब सब कुछ आराम से हो रहा है, अब ठीक है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, अंतरिक्ष में या खुले हवा में तैरना जो है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुझे लगा जैसे नरम बाहें मेरे चारों तरफ थीं। टेंडर आर्म्स, नरम बाहें, लाइक मदर्स, जैसी माँ की बाहें होती हैं। नॉट नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैं अचेत हो गया था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का कर्टन बोलते पर्दे को, पर्दा जो था वो गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, मुझे आगे जो याद है वो क्या है, वो ये है कि मैं लेटा हुआ था ऑन माई स्टमक, मेरे पेट के बल, बिसाइड द पुल, पुल के पास में, वोमिटिंग उल्टियाँ करते हुए। द चैप दैट थ्रू मीन वॉज सेइंग, वो चैप एन लड़का, वो लड़का जिसने मुझे फेंका था पानी के अंदर, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल फूलिंग यानी मजाक कर रहा था, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, किड ने बच्चा, ये लड़का तो बिल्कुल मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, आप सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं, स्विमिंग पूल के पास कपड़े बदलने की जगह वहाँ पर लॉकर रूम, वहाँ पर लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से डगलस जो है लेखक, वो बताते हैं किस प्रकार से उनको बचपन में एक बार लहरों ने पटक दिया था, डर लगने लगा था,
फिर जब वो 10-11 साल की उम्र में YMCA नाम के पुल पे गए तैरने के लिए, तो उनको शर्म आती थी कपड़े उतारने में, लेकिन फिर भी वो तैरना सीखने के लिए उन्होंने कपड़े उतारे। एक दिन वो जल्दी पहुंच गए थे कि लड़का आया, उस लड़के ने उनको मजाक में पानी में धकेल दिया। अब बहुत कोशिश की उन्होंने 2-3 बार ऊपर पानी तक आके सतह पे आके कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन बार बार डूबते रहे। और जब उनको लगने लगा कि अब उनकी मौत होने वाली है, तब उनको होश जब आया, बेहोश हो गए पानी में, होश जब आया तो वो बाहर थे, उल्टियाँ कर रहे थे। लड़का कह रहा था मैंने मजाक किया, तो किसी ने कहा भी लड़के की तो जान ही चली गई थी, है ना। इस तरह से तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये CBSE RBSE दोनों बोर्ड में हैं, आप इसको पढ़ते रहिएगा। इस पार्ट में इसको यहाँ तक पढ़ेंगे, अगले पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।